हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की व्लॉगिंग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो यहाँ आज थोड़ा लेट हो गया है, उठ तो मैं गई थी। मैंने हस्बैंड को जो है चाय बनाकर भी दे दिया है, और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे घी भी बना रही हूँ। लेकिन ना फ़ोन में जो था चार्ज नहीं था, तो इसलिए मैंने व्लॉग जो है वो लेट स्टार्ट किया है। और यहाँ पे कुछ काम जो था वो मैंने फिनिश कर लिया है। तो चलिए, यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आज गोभी के पराठे। तो यहाँ पे जो गोभी के पराठे के लिए ना घी जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे हफ्ते भर की जो थी मलाई, वही मैंने उसकी ही बना दी है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही जो है घी बनाया था, वो ज़्यादा नहीं बना तो वो फिनिश भी हो गया। क्योंकि ना हम पराठे जो है मॉर्निंग में जो है हमारे हर दूसरे दिन बन ही जाते हैं, तो घी जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने फिर से बना दिया है, थोड़ा सा ही बनेगा, लेकिन ये है कि आज के लिए और थोड़े दिन के लिए जो है हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने जो है गोभी को कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो भी उठ चुका है, तो उसके लिए मैं कर रही हूँ दूध गर्म। तो अब उसको जो है मैं दूध दूंगी। और यहाँ पे जो है मैंने आटा भी जो था वो भी गूंद लिया है। तो यहाँ पे दूध जो था ना वो थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया था, फिर मैंने उसको ठंडा करने के लिए अभी थोड़ी देर पंखे के नीचे रखा, तो उसके बाद ही मैंने उसको जो है दूध दे दिया है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने गोभी में जो है नमक और सारी चीज़ें मैंने जो है मसाले वगैरह रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने आज गोभी के पराठे बनाए, लेकिन मुझसे बने ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बने। पहला जो पराठा बनाया था वो पहला पराठा ही जो था वो फट गया था। तो यहाँ पे फिर मैंने ना सेकंड पराठा बनाया तो वो भी फट गया था, लेकिन जो उसके बाद के जो पराठे थे ना वो सही बने, वो सारे परफेक्ट बने। बस और फर्स्ट और सेकंड जो था ना वो बिल्कुल भी अच्छा सा नहीं बना। तो चलिए, यहाँ पे अभी मैं बच्चे के जो है ब्रेकफास्ट के लिए ही पराठे बना रही हूँ। और उसके लंच के लिए जो है मैं आज उसको मतलब पराठे नहीं दूंगी, उसको टिफिन किसके लंच में मैं जो है दूसरी चीज़ दूंगी। तो पराठे जो है मैं सबके लिए ही बना रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पे बच्चे को मैंने ना खाना खिला दिया है, तो मैं अब उसका जो है लंच पैक कर रही हूँ। तो मैं उसके लंच में यहाँ पे रख रही हूँ सेब, और यहाँ पे बनाना रखूँगी और एक बिस्किट ही दूंगी। तो यहाँ पे ना सेब का जो छिलका है ना वो उसको निकाल के देना पड़ता है, वरना ना वो एप्पल जो है ना वो खाता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने उसका जो छिलका है वो निकाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक बनाना भी रखा है। तो चलिए, यहाँ पे बच्चे का मैंने टिफ़िन पैक करके मैं उसको जो है नहला के आ चुकी हूँ, अब उसको करूँगी रेडी। तो यहाँ पे चलिए, अब बच्चा जो है वो स्कूल जा चुका है, मैंने और हस्बैंड को जो है ब्रेकफास्ट दे दिया है। तो यहाँ पे ना कपड़े थे ये कल के, क्योंकि बारिश हो रही थी, आज जाके ना धूप आई है, तो मैंने कल के जो कपड़े थे ना वो थोड़े से ना सूखे भी नहीं थे, मैंने उन्हें पंखे के नीचे सुखा रखा। तो आज धूप जो है ना बहुत तेज की हो रही है, तो मैंने ना पहले इनको जो है बाहर सुखा दिया है, क्योंकि आज भी मुझे कपड़े धोने हैं। लेकिन मैंने सोचा तब तक मैं कपड़े धोऊंगी ना, तब तक ये जो है ये वाले कपड़े जो है अच्छे से धूप में सूख जाएंगे। क्योंकि धूप जो है मॉर्निंग में ना इस वाली बालकनी में बहुत तेज की है, इधर की वाली बालकनी में जो है ना वो यहाँ बहुत तेज आती है। तो चलिए, मैंने आज गद्दे भी हैं वो भी जो है धूप में सुखा दिए हैं। तो यहाँ पे गद्दे के जो कवर है ना वो खराब हो रखे हैं, मेरे को ना दूसरे लेके आने हैं इनके कवर, तो फिर मैं अब ना दूसरे भी लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मैं अब नीचे आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैंने गद्दे जो है सुखा दिए। तब तक चरपाई में जो है मैंने मैट बिछा दिए, मैंने अच्छे से इसको झाड़ के ना फिर चरपाई में जो है मैट बिछा दी है। तो चलिए, यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ बालकनी साफ, क्योंकि ना बारिश का टाइम था, तो बारिश की वजह से यहाँ जो है बालकनी जो है बहुत गंदी हो गई है। क्योंकि ना यहाँ गमले में भी मैंने गमले जो है वो साइड में रख दिए थे, ताकि बारिश का पानी जो है इनमें गिर जाएगा। तो ये अब फिर मैंने इनको ना काफ़ी दिन से पानी भी नहीं दिया है, क्योंकि बारिश ही इतनी तेज़ हो रखी थी, तो इस वजह से। तो चलिए, यहाँ पे अब मैं ना फटाफट से जो है यहाँ पे बालकनी साफ कर ली है मैंने। तो यहाँ पे अब मैं जो है कपड़े भिगा रही हूँ, क्योंकि आज कपड़े जो है बहुत सारे हैं धोने के लिए, क्योंकि ना मैंने ना ये धोए ही नहीं थे। कल भी मैंने जो थे थोड़े से कपड़े धोए थे, क्योंकि बारिश ही इतनी आ रखी है 4-5 दिन से, तो इस वजह से आज मैंने जो है सारे कपड़े धोने हैं। आज मैंने चादर वगैरह, क्योंकि धूप भी बहुत तेज है, और मैंने जो है पायदान वगैरह भी धोने। तो चलिए, यहाँ पे ना मूंगफली जो है हस्बैंड लेके आए थे, तो यहाँ पे बहुत सारी जो मूंगफली जो है कच्ची मूंगफली हैं, तो यहाँ पे जो है ना मैंने इनको जो है अच्छे से धो दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रखी थी इनमें धो के ना। आज धूप है, वैसे मैंने कल ही धो दी थी, लेकिन ना कल मैंने ना इनको ना बाहर तो रखा था, लेकिन धूप नहीं हो रही थी, तो इस वजह से आज मैंने इसको जो है बाहर बालकनी में जो है ये मेरी अच्छे से सुखा दिया, अभी अच्छे से जो है सूख जाएंगी। तो चलिए, अब मैं जो है किचन में आ गई हूँ। तो सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो अब मैं करती हूँ यहाँ पे बर्तन साफ।
तो मॉर्निंग में मेरे तो बर्तन बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो मैंने आज टोकरी को जो है गैस में इसलिए रखा है क्योंकि मैंने कहा कि ना वहाँ पे जगह जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, और वैसे भी मुझे आज गैस जो है ना वो साफ़ करनी है, बर्तन जो थे वो ज़्यादा थे तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर ही रख दिया है। तो मैंने सोचा कि ना गैस को जो है ना वो साफ़ भी कर लूँगी, तो फिर इनको बर्तनों को जो है मैं बाहर रख दूँगी जब मैं गैस साफ़ करूँगी। तो आज मुझे किचन जो है वो भी साफ़ करनी है, पूरी स्लिप जो है वो मैं सारी साफ़ करूँगी। दो तीन दिन से तो मैं इसको गीले कपड़े से ही जो है पोंछ रही थी, तो मैंने सोचा कि आज ना अच्छे से साफ़ करके और बर्तनों को जो है वो मैं बाहर सुखा दूँगी। आज धूप बहुत तेज़ है तो इसलिए मैं सारे बर्तन धो के बाहर मैंने जो है उनको रख दिया है। तो चलिए यहाँ पे मैंने गैस को और टाइल्स को और वॉश बेसिन को जो है वो डिशवॉश से जो है सारा पूरा क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पे किचन जो है वो तो क्लीन हो चुकी है, किचन का सारा काम जो है फिनिश हो चुका है। तो मैं अब लगा रही हूँ झाड़ू। तो यहाँ पे बच्चे ने सुबह मूंगफली खाई थी तो उसने पूरे घर में ना अंदर भी पूरे चरपाई के नीचे बाहर सब जगह मूंगफली के छिलके जो हैं फैला दिए हैं। उसको कितना भी मना करो लेकिन वो बच्चा है वो मानेगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो है मॉर्निंग की झाड़ू जो है वो लगा दिया है, अभी मैंने पोछा नहीं लगाया है। तो मैंने सोचा पहले कपड़े धो लेती हूँ उसके बाद ही जो है पोछा लगाऊंगी, तब तक कपड़ों का पानी जो है पूरा निखर जाएगा। तो यहाँ कपड़े जो थे वो ज़्यादा ही थे तो मैंने ना कपड़ों को जो है बड़ी संभाल के जो है इधर धो रही हूँ ताकि उनका पानी जो है ना उधर मूंगफली की तरफ ना जाए। तो यहाँ पे पानी भी जो है मैं जब उनको छाल रही थी ना तो बड़े ध्यान से छाल रही थी ताकि उनका पानी जो है उधर की तरफ ना जाए, क्योंकि जब कपड़े धोते हैं ना तो पानी जो है ना उस तरफ चला जाता है। लेकिन आज मैंने बहुत ध्यान से जो है पानी को कपड़े को जो है अच्छे से छाला है। तो चलिए जी, कपड़े जो है वो मैंने धो दिए हैं तो अभी मैंने उनको जो है निखरने के लिए रखा है। तो मैंने सोचा तब तक जो है पोछा लगा लेती हूँ। बच्चे की ना कम 4-5 दिन से जब थी ना छुट्टियाँ थी ना तो उस वजह से ना ढंग से जो है काम भी नहीं हो पा रहा था, तो आज वो स्कूल गया है तब आज मैंने सोचा आज पूरे घर को जो है अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो चलिए यहाँ पर जो है ये बाहर अंदर का तो सारा काम जो है वो हो चुका है, तो कपड़े जो हैं ये भी अच्छे से सूख चुके हैं, काफ़ी तेज़ धूप थी तो अब जो है अच्छे से सूख चुके हैं। तो अब मैं जो है उन कपड़ों को सुखा रही हूँ जो मैंने धोए थे, और मैंने जो बाकी के कपड़े थे उनको अंदर ले जा चुकी हूँ जो मैंने सूखे हुए थे, बस उनको थोड़ी धूप दिखानी थी। अब वो जो है अच्छे से वो भी जो है अच्छे से उनमें सूख चुके हैं। अब मैं इनको फटाफट से इस वाली बालकनी में सुखाऊंगी और दूसरी वाली बालकनी में जो है उनको कपड़ों को उधर भी सुखाऊंगी। तो मैं ना अभी इसके बाद जो है गद्दे को भी पलटाने जाना है मुझे छत पे, क्योंकि वो भी जो है एक तरफ सूख गए होंगे, उनको दूसरी तरफ पलटा के आऊँगी। तो चलिए घर का सारा काम जो है वो फिनिश हो चुका है। मैं यहाँ पे नहा के भी आ चुकी हूँ, मैंने जोत भी जला ली है, मैंने जो है ब्रेकफास्ट भी कर लिया। तो मैं जो ये कपड़े थे वो जो तय करने के लिए वो मैं उनको फटाफट से फोल्ड करके अलमीरा में रख दूंगी। टाइम भी होने वाला है थोड़ी देर में बच्चे को स्कूल से लाने का, तो मैंने थोड़ा ही टाइम बचा था, 10-15 मिनट बचे थे, तो मैंने सोचा इनको फोल्ड कर देती फिर जाऊँगी बच्चे को लेने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। ओके बाय फ्रेंड्स, ऐसे ही स्वस्थ रहना, खुश रहना और मुस्कुराते रहना। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।